सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दीपावली आपके लिए जीवन में खूब खुशहाली लेकर के, समृद्धि लेकर, धन धान्य लेकर के आए और सबके जीवन में खूब खुशहाली रहे। यह दीपोत्सव जो है बाहरी प्रकाश के लिए तो है ही, पर हमारे अंतःकरण में जो अंधकार है, उस अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए हमें राम नाम का दीपक भी जलाना है, जिस राम नाम के दीप के प्रभाव से हमारे अंतःकरण में भी प्रकाश हो जाए, हमारे जीवन में चारों ओर प्रकाश हो। तो प्रकाश का यह पर्व है और यह हमें एक संकेत है कि हमें किस प्रकार अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। गुरु का कार्य क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो यह दीपावली का पर्व भी हमें उसी रूप में जो है संकेत करता है। हम सब लोग माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ हम नारायण की पूजा भी करें, क्योंकि भगवान नारायण के साथ ही लक्ष्मी सदा रहती हैं। हम चाहते हैं कि घर में शाश्वत सुख रहे, शांति रहे, वैभव के साथ साथ सुख और शांति भी हमें प्राप्त हो। तो साथ में हम ठाकुर जी की पूजा भी करें, लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें। जो है दीपावली के दिन सवेरे गौ माता की पूजा करें, संध्या के बेला में माँ लक्ष्मी की पूजा करें और नारायण की पूजा करें, और रात्रि में जितना हो सके जागरण करके माँ भगवती के नामों का स्मरण करें, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और उसके द्वारा ठाकुर जी का, लक्ष्मी जी का अर्चन करें। लक्ष्मी जी खूब कृपा करेंगी। इस बार दीपावली 24 तारीख को मनाई जा रही है, क्योंकि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में भी खूब जो है भजन करना है, राम नाम जप करना है। सबका मंगल हो। पुनः पुनः आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। सादर जय श्री कृष्ण।